हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग सभी को। किरण डूडी, रावण, वसुंधरा विश्नोई, मुस्कान डांगी, गुड मॉर्निंग। अमन सोनी, परी रनवा, सीमा सेजू, गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग सभी को। क्लास अपने स्टार्ट करते हैं आज की। जो आज का टॉपिक है वो अपने पास यूनिट एंड डायमेंशन है, जिसको हिंदी में हम इकाइयां और मापन बोलते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा अपने एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए आपको यूनिट पूछ ली जाए या फिर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जो आप लोगों ने टॉपिक्स पढ़े हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें, अगर स्कूलिंग के अकॉर्डिंग, तो आप लोगों ने अभी तक के जो टॉपिक पढ़े थे वो सारे 12th क्लास के टॉपिक्स थे, और आज से जो अपने टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं वो 11th क्लास के टॉपिक्स है, जिसमें सबसे पहले बेसिक फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं, बेसिक मैथ्स भी आती है उसमें, और स्टार्टिंग हम करते हैं यूनिट डायमेंशन से, यानी कि जो इकाइयां या जिनको हम मात्रक बोलते हैं, और फिर उनको प्रदर्शित करने का तरीका अपने पास होता है विम्य सूत्र, जिनको विमाएं कहा जाता है। यस, गुड मॉर्निंग सभी को। सोनू, मनु, शिवानी ठाकुर, केशव कुमार, सावित्री कुमारी, रिया, जयप्रकाश, यस गुड मॉर्निंग। परी रनवा का पहले आया है, शिवानी एग्जाम एम्स नर्सिंग के बाद में अगले फॉर्म भरेंगे। यस, तो उसके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। गुड मॉर्निंग सोनू चिंपा, कि जो 28 जुलाई को एमएनएस का एग्जाम जो होना है उसके लिए कन्फर्मेशन आ गया है, एडमिट कार्ड उसके रिलीज होने वाले हैं। एम्स के अभी तक एडमिट कार्ड रिलीज नहीं हुए हैं, और नीट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, जो कल से ही 13 जुलाई से स्टार्ट हुए थे। उसका भी एग्ज़ाम सितंबर में है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहें। श्वेता रावत, गुड मॉर्निंग। तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए तैयार रहें, और सबसे पहला काम अपना क्लास का लिंक जरूर शेयर कर दें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। अपनी क्लास का लिंक जरूर शेयर कर दें सभी अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, किसी भी प्लेटफॉर्म पर जो भी आप यूज़ करते हैं, क्लास का लिंक जरूर शेयर कर दें, और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। जो कुछ दिन बचे हैं उसमें दमदार तैयारी करने के लिए, पूरी प्रिपरेशन करने के लिए, जो स्पेशल क्लासें आपके लिए चल रही है, जिसमें आप कंप्लीट क्वेश्चंस जो भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उनको सॉल्व करते हैं, तो ये उन तक भी पहुंच जाए, इसलिए आप भी सब्सक्राइब करें, उनको भी बताएं। उसके साथ ही आपको बता रखा है कि जीके मैथ्स रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए जो एसएससी के चैनल पर आ रहे हैं, रेगुलर लाइव क्लासेस भी हो रही है। अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग में भी 2 क्लास होती है और इवनिंग में भी 2 क्लास होती है, तो ये सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रहे तो उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। अगला यहाँ हम बात करते हैं, यस, बॉयज के लिए पैरामेडिकल। परिरणवा, पैरामेडिकल भी होता है, आरयूएचएस का भी एग्जाम होता है बॉयज के लिए, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आरयूएचएस का अभी तक फॉर्म आने बाकी है। ओके, तो अब देखते हैं, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, जेएनसी जोधपुर के नाम से जो मोबाइल ऐप है वो जरूर डाउनलोड कर लें, उसमें सारे आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है वहां पर, और जो भी दिक्कत आती है इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए आपको सिलेबस से रिगार्ड, या कोई भी कहीं पर भी दिक्कत आती है, कोई भी फॉर्म अप्लाई करना हो, किसी की डेट भी पूछनी हो, तो भी आप यहां पर इस नंबर पर कॉल करते हुए पूछ सकते हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आज के। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए पुट कर रहा हूं मैं यहां पर। नंबर 1 क्वेश्चन, विच यूनिट इज नॉट फॉर लेंथ, लंबाई के लिए कौन सी यूनिट नहीं है। हिंदी में अगर हम कहें तो लेंथ यानी कि लंबाई के लिए अपने पास यूनिट कौन सी नहीं है। जो ऑप्शन आप लोगों के पास यहां है, फर्स्ट पार्सेक, सेकेंड लाइट ईयर, सी एंगस्ट्रॉम, या फिर डी नैनो। 4 ऑप्शन है आपके पास यहां पर, 4 ऑप्शन है यहां पर। सावित्री कुमारी का क्वेश्चन कि सर ऑफलाइन क्लास का क्या होगा,
ऑफलाइन क्लास जैसे ही गवर्नमेंट की गाइडलाइन आएगी, जैसे ही हमें छूट मिलेगी क्लास ओपन करने के लिए, उसी दिन हम स्टार्ट कर देंगे। उसके लिए हम भी तैयार बैठे हैं, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट गाइडलाइन आती है उसके बाद स्टार्ट होगा। तब तक आप लगे रहें, बिना टाइम वेस्ट किए ऑनलाइन लाइव के थ्रू पढ़ते रहें। ओके सौरभ विस्मय, गुड मॉर्निंग। यस, तो देखें इसका आंसर दे सबसे पहले, विच यूनिट इज नॉट फॉर लेंथ, लंबाई के लिए कौन सी यूनिट नहीं है। अगर हम पार्सेक की बात करें तो पार्सेक तो हम कहते हैं कि लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है, बिगेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। ध्यान रखना, यह भी अलग से क्वेश्चन बनता है कि लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, बिगेस्ट यूनिट क्या है, तो वो हम पार्सेक यूज करते हैं। तो ये तो लंबाई के लिए काम में आता है। फिर लाइट ईयर पूछा गया, तो लाइट ईयर, ईयर कहा मतलब वो टाइम नहीं है, ध्यान रख लेना। यहां कई बार कंफ्यूजन होता है, लाइट ईयर जिसको हिंदी में प्रकाश वर्ष कहा जाता है, तो ये दिमाग में कंफ्यूजन रहता कि वर्ष कहा गया मतलब कहीं ये टाइम तो नहीं है, लेकिन वो टाइम नहीं है, वो भी लंबाई का मात्रक है, दूरी का मात्रक है। लेकिन इसको लाइट ईयर क्यों बोला गया, कि लाइट एक साल में, वन ईयर में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम वन लाइट ईयर बोलते हैं, इसीलिए वो लाइट ईयर टर्म यूज किया जाता है, प्रकाश वर्ष काम में लिया जाता है। तो ये भी अपने पास लंबाई के लिए है। फिर अगर एंगस्ट्रॉम की बात करें तो वन एंगस्ट्रॉम हम कहते हैं कि अप्रोक्स 10^-10 मीटर होता है, जो कि काफी छोटा मात्रक है, तो ये भी लेंथ के लिए काम आता है। जो एंगस्ट्रॉम आप लोग लिखते हैं हमेशा एटम न्यूक्लियस के लिए काम आता है, एंगस्ट्रॉम भी हम लेंथ के लिए यूज करते हैं। फिर बचा नैनो, तो ये तो हम प्रीफिक्स काम में लेते हैं, जैसे नैनोमीटर हो गया, तो ये नैनो तो से प्रीफिक्स है, ये कोई यूनिट नहीं है। नैनोमीटर हो गया मतलब 10^-9 हो गया, इसका मतलब ये लेंथ की यूनिट नहीं है, नैनो कोई यूनिट नहीं है। तो ये तीनों तो अपने पास यूनिट्स हैं, तो यहाँ अपने पास आंसर था कि इनमें से कौन नहीं है, तो आंसर अपना डी सही है, यानी कि नैनो बिल्कुल सही है। ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन डी काफी ज्यादा आ रहा है, सोनू चिंपा, वसुंधरा विश्नोई, अपूर्वा ठाकुर, केशव कुमार, बिल्कुल सही आंसर है। यस, प्रतीक चौधरी, अपूर्वा, सीमा, अमन, सभी का आंसर डी बिल्कुल सही है यहाँ। लेकिन ध्यान रखना, एक अलग से क्वेश्चन बनता है जो पार्सेक के लिए, कि लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक क्या है और एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यहां से फर्स्ट क्वेश्चन के बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज मे बी रिप्रेजेंटेड इन द सेम यूनिट, हिंदी में अगर कहें तो इनमें से कौन सा जोड़ा, जो पेयर कहा गया, यानी कि दो राशियां तुम्हें साथ में दी गई है और उनमें से कहा गया कि मे बी रिप्रेजेंटेड इन द सेम यूनिट, यानी कि उनकी यूनिट एक ही हो। फर्स्ट ऑप्शन दिया हीट एंड टेम्परेचर, उष्मा और ताप। सेकेंड ऑप्शन अपने पास टेम्परेचर एंड मोल। थर्ड ऑप्शन है हीट एंड वर्क। लास्ट ऑप्शन स्पेसिफिक हीट एंड हीट। तो देखो यहां पर अगर सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनमें से सेम यूनिट कौन सी है, तो पहला ऑप्शन था हीट एंड टेम्परेचर। हीट उष्मा ऊर्जा होती है, और ऊर्जा के लिए, हीट के लिए हम यूनिट काम में लेते हैं जूल, और इसमें कैलोरी भी काम आती है, जो हम कहते हैं इनमें रिलेशन वन, जो कैलोरी के लिए वो 4.2 जूल, जिसको अप्रोक्स 4.2 यूज किया जाता है, एग्जैक्टली 4.18 होता है। फिर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर कभी भी जूल या कैलोरी में मेजर नहीं होता, इसके लिए आप लोगों ने रिलेशन पढ़ा है कि डिग्री सेल्सियस काम में लेते हैं, केल्विन होता है, फारेनहाइट होता है, रूमर होता है, उसके अलावा रेनकाइन भी हम काम में लेते हैं, तो टेम्परेचर की यूनिट्स अलग अलग है। फिर अगर बात करें टेम्परेचर एंड मोल, तो टेम्परेचर की यूनिट्स तो अभी हमने कहा ये होती है, मोल अपने आप में एक यूनिट है। फिर देखें थर्ड ऑप्शन हीट एंड वर्क, तो हीट एनर्जी है, जूल में मेजर होती है। ऑप्शन आने शुरू हो गए हैं, सी ऑप्शन आ रहा के लोगों का, आरती यादव का ऑप्शन ए, परी रनवा सी, सरवन गौड़ सी, यस केशव कुमार, मनु, परी रनवा, ऑप्शन सी आ रहा है, सौरभ विस्मई, सुनील गहलोत, विपिन चावला, सीमा सेजू, ऑप्शन सी आ रहा है यहाँ पर। तो देखें हमने कहा कि ये तो अपने पास नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, दोनों ऑप्शन ये तो गलत हो गए। फिर हीट और वर्क,
हीट हम जूल में मेजर करते हैं, वैसे ही वर्क डन भी जूल में मेजर होता है। दोनों की यूनिट जूल काम आती है, यानी कि ये कॉमन यूनिट हुई दोनों के लिए। स्पेसिफिक हीट एंड हीट ये दोनों भी एक नहीं है, तो यहाँ पर ये भी अपने पास ऑप्शन नहीं हुआ, तो राइट आंसर अपने पास हुआ हीट एंड वर्क, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ओके जितेंद्र गुर्जर, ऐप पर हिंदी में भी पढ़ाया करो, ऐप पर हिंदी भी है इंग्लिश भी है दोनों हैं, कोशिश करेंगे और हिंदी करने के लिए उसमें। यस केशव कुमार, वसुंधरा विश्नोई, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो देखें ऑप्शन सी हमने कहा कि जो हीट और वर्क है वो दोनों ही जूल में मेजर होते हैं, तो सेम यूनिट के लिए अपने को पूछा गया था, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आता है। फिर चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट ऑफ द कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी इन एसआई सिस्टम, इन एसआई सिस्टम, तो ऑप्शन आपको दिए गए मीटर पर केजी इंटू सेकेंड, मीटर इंटू सेकेंड पर केजी स्क्वायर, केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, या फिर केजी पर मीटर सेकेंड। देखो कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी कहा गया, जिसको हिंदी में हम श्यानता गुणांक बोलते हैं, श्यानता गुणांक कहा जाता है। श्यानता गुणांक के लिए आपको पूछा गया है कि इसकी यूनिट क्या होगी एसआई सिस्टम में। तो श्यानता गुणांक के लिए अगर देखें तो फॉर्मूला जो विस्कस फोर्स यानी कि श्यान बल के लिए फॉर्मूला होता है, एफ इज इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है विस्कोसिटी में ही, विस्कस फोर्स के लिए यानी कि श्यान बल के लिए जो हम कहते हैं कि एफ इज इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी होता है। अब इसमें से आपको विस्कोसिटी के लिए जो पूछा गया, कोफिशियंट के लिए पूछा गया है, यानी कि इस नीटा के लिए यूनिट पूछी गई है, और नीटा को अगर सेपरेट करोगे तो नीटा इज इक्वल टू बनेगा एफ अपॉन 6 पाई आर वी, एफ अपॉन 6 पाई आर वी बनेगा। अब 6 पाई तो कांस्टेंट हो गया, नियतांक है, तो उसके लिए कोई यूनिट नहीं हुई, तो नीटा इज इक्वल टू एफ मीन्स यहाँ पे फोर्स के लिए आप काम में लोगे न्यूटन, फिर यहाँ आर ये रेडियस है यानी कि मीटर, और वेलोसिटी के लिए लिखोगे तो मीटर पर सेकेंड, सेकेंड चला गया न्यूटन के साथ मल्टीप्लाई में। ओके क्लियर है यहां से। फिर देखो आपको यहाँ केजी के फॉर्म में आंसर दिया गया, यानी कि अब हमें न्यूटन को भी ब्रेक करना पड़ेगा, और न्यूटन को ब्रेक करोगे तो वो होता है एफ इक्वल टू एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन, तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं मास के लिए केजी और एक्सेलरेशन के लिए होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर यहाँ बाकी सारी चीजें हम एज इट इज लिख दें, ये मीटर स्क्वायर बन गया। अब इनमें से सेकेंड की एक पावर कैंसिल कर दो, एक मीटर की पावर कैंसिल कर दो, तो ऊपर अपने पास रह गया केजी और डिवाइड में रह गया मीटर इंटू सेकेंड, यानी कि ऑप्शन अपने पास डी सही आता है, डी सही आता है। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा किरण डूडी ने, m1l-1 t-1, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो अपने पास जो आ रहा है यहाँ पर केजी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो केजी के लिए आप लिखोगे m1 मीटर इनवर्स यानी कि l-1, सेकेंड इनवर्स मीन्स t-1, तो ये अपने पास डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा। बिल्कुल क्लियर है यहाँ से। सीमा सेजू, प्रतीक चौधरी, जयप्रकाश, मुस्कान डांगी, बिल्कुल सही आंसर है। ओए पबजी का भी आंसर बिल्कुल सही है, मोदी जी ने बैन कर दिया फिर भी आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। केशव कुमार का भी आंसर डी, रिया सोनी ऑप्शन डी। यस तो देखते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद ध्यान से ये फॉर्मूला याद रखें और डायमेंशन फिर उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज नॉट बेस्ड ऑन यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम अलोन, एसआई सिस्टम, ऑप्शन बी एमकेएस, ऑप्शन सी एफपीएस, ऑप्शन डी सीजीएस। क्वेश्चन हिंदी में समझे कि जो ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं इनमें से कौन सा सिस्टम द्रव्यमान, लंबाई और समय पर निर्भर नहीं करता, इनमें से कौन सा सिस्टम है जो लंबाई, द्रव्यमान और समय पर निर्भर नहीं करता है, ये चारों आपको ऑप्शन दिए गए। अगर हम बात करते हैं
सबसे पहले जैसे मैं सीजीएस को कहता हूं तो सीजीएस जो अपने पास है वो स्टैंड करता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड के लिए। वही अगर एफपीएस की बात करें तो ये होता है फुट, पाउंड और सेकंड। फिर देखें एमकेएस, तो एमकेएस में भी वही मीटर, किलोग्राम, सेकंड। यानी कि तीनों में यहां लेंथ है, फिर मास है और फिर टाइम है, लंबाई है, द्रव्यमान है और समय का मान है। लेकिन अगर एसआई सिस्टम की बात करें तो एसआई सिस्टम निर्भर करता है साइंटिस्ट नेम पर, वैज्ञानिकों के नाम पर निर्भर करता है। सर्वन गौड़ का ऑप्शन ए आ रहा है, केशव कुमार ऑप्शन ए, मनु ऑप्शन ए, मधुरिमा टाक, गजानंद प्रजापत, संगीता कुमारी, दिलीप गोदारा, अमन सोनी, यस ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जो ऐसा ही सिस्टम हम कहते हैं कि ये वैज्ञानिकों के नाम पर आधारित है, ध्यान रख लेना। जैसे हम बल के लिए न्यूटन काम में लेते हैं, लेकिन यूनिट अगर लिखी जाए एमकेएस तो वो होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि फोर्स के लिए जब आप फॉर्मूला लिखते हो तो एम ए बनता है, यानी कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन इसी के लिए हम यूनिट काम में लेते हैं न्यूटन, जो कि आइजैक न्यूटन वैज्ञानिक के नाम पर आधारित है। यानी कि एसआई सिस्टम का उपयोग वैज्ञानिकों के नाम पर किया जाता है। तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर अपने पास यहां पर, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, क्यूरी इज अ यूनिट ऑफ, क्यूरी किसकी यूनिट है ये बताना आपको। एनर्जी ऑफ गामा रेज, हाफ लाइफ, रेडियो एक्टिविटी या फिर लास्ट इंटेंसिटी ऑफ गामा रेज। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहां पर कि क्यूरी किसकी यूनिट है, क्यूरी इज अ यूनिट ऑफ, क्यूरी किसका मात्रक है ये बताना है। यानी कि गामा किरणों की ऊर्जा है, ऑप्शन ए आपको दिया गया एनर्जी ऑफ गामा रेज, फिर दिया हाफ लाइफ यानी कि अर्ध आयुकाल, आयुकाल यानी कि वो तो अपने पास समय का मान है, फिर सी ऑप्शन रेडियो एक्टिविटी और डी ऑप्शन है इंटेंसिटी ऑफ गामा रेज। यस, तो देखें यहां पर ऑप्शन आपके सामने चारों, जो क्यूरी यूनिट किसकी है ये आपको बताना है। अमन सोनी बिल्कुल यूनिट्स वाले जो अपने पास क्वेश्चन है बिल्कुल शॉर्ट में है, जिनको आप बिल्कुल आसानी से इंग्लिश में समझ सकते हैं, इसमें ज्यादा हिंदी की जरूरत नहीं है। तो क्यूरी इज अ यूनिट ऑफ यानी कि क्यूरी किसका मात्रक है ये आपको बताना है। ऑप्शन आ रहा है सोनू चिंपा ए, अमन सोनी, सर्वन गौड़ का ऑप्शन आ रहा सी, मधुरिमा टाक, सावित्री कुमारी, अपूर्वा ठाकुर, सीमा आदर्श, अमन सोनी, परी, मनु, इनका ऑप्शन सी आ रहा है यानी कि रेडियो एक्टिविटी। देखो यहां पर जो क्यूरी यूनिट है वो रेडियो एक्टिविटी की है, बिल्कुल सही आंसर अपने पास सी है। सबसे पहले अगर हम कहें कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, जिसको हम हिंदी में नाभिकीय सक्रियता बोलते हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि कोई न्यूक्लियस सेल्फ डिसइंटीग्रेट होता है यानी कि स्वतः विघटित होता है। अगर मान लो अपने पास मास पहले 100 केजी था तो कुछ टाइम बाद हो सकता है कि वो 99, 98, 97 ऐसे कम होते होते 90, 80, 70 वो कम हो जाएगा। तो सेल्फ डिसइंटीग्रेट होता है यानी कि अपने आप टूटता रहता है, और उसका मेजरमेंट जो किया जाता है रेडियो एक्टिविटी का, वो हम कहते हैं कि बैक्यूरल के नाम पे करते हैं। जिस साइंटिस्ट ने इसको रिसर्च किया था बैक्यूरल नाम था, तो उसी के नाम पर हम यूनिट काम में लेते हैं बैक्यूरल। उसके अलावा ये क्यूरी भी हम काम में लेते हैं और रदरफोर्ड भी काम में लेते हैं, ध्यान रख लेना। रेडियो एक्टिविटी की ये अलग यूनिट्स है, ध्यान रखना। जो हमने कहा कि क्यूरी जो अपने पास यहाँ आंसर एक तो क्वेश्चन में ही आ गया, उसके अलावा सेकंड बैक्यूरल होता है और एक हम रदरफोर्ड भी यूज करते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी यानी कि नाभिकीय सक्रियता के लिए ये तीनों यूनिट काम में आती है, ये भी ध्यान रखें, ये भी नोट करके रख लेना कि रेडियो एक्टिविटी की क्यूरी के अलावा और कौन सी यूनिट्स है। तो बैक्यूरल होती है और एक रदरफोर्ड भी होती है, ये सारे साइंटिस्ट के नाम है, वैज्ञानिकों के नाम है।
ओके अब चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास यहां से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, कि समय का मात्रक नहीं है, निम्न में से समय का मात्रक नहीं है। तो आपको ऑप्शन दिए गए ए माइक्रो सेकेंड, ऑप्शन बी लीप ईयर, ऑप्शन सी लूनार मंथ और ऑप्शन डी पैरेलैक्टिक सेकेंड। देखो सारे ऑप्शन जो यहां पर है इनमें से बताना है कि समय का मात्रक कौन सा नहीं है। जो चार ऑप्शन है इनमें से टाइम को मेजरमेंट कौन नहीं करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर बात करें माइक्रो सेकेंड की, तो सेकेंड अपने पास टाइम की यूनिट है, और अगर हमें माइक्रो सेकेंड कहा गया तो इसका मतलब हमें ये कहा गया कि 10^-6 सेकेंड है, तो ये तो हम यूज करते हैं मिली सेकेंड, माइक्रो, नैनो, ये जो प्रीफिक्स हम यूज करते हैं। तो यहां सेकेंड जो माइक्रो सेकेंड आया वो अपने पास सही है, ये तो हम समय के लिए यूज करते हैं। फिर सेकेंड कहा गया आपको लीप ईयर, तो लीप ईयर और नॉन लीप ईयर ये दोनों भी आप यूज करते हैं। लीप ईयर कहा गया यानी कि 366 डेज है, नॉर्मली हम देखते हैं कि हर साल 365 डेज होते हैं, लेकिन हर चौथे साल एक लीप ईयर आता है यानी कि 366 डेज होते हैं, जिसके अंदर फरवरी 29th होती है। अदरवाइज नॉर्मली अपने पास फेब में 28 डेज होते हैं, लेकिन लीप ईयर में 29th फेब होती है, इसी वजह से हम कहते हैं कि लीप ईयर होता है, और लीप ईयर टाइम का ही यूनिट है, उसी की इकाई है अपने पास। फिर देखें ऑप्शन, अगर अगला देखें, किरण कुड़ी का कहना है कि 100% डी को लॉक कर दिया जाए, यस अभी देखते हैं यहां पर। फिर ऑप्शन सी आपको दिया गया लूनार मंथ, लूनार मंथ हम कहते हैं कि चंद्र मंथ होता है, चंद्रमा होता है, जो अपने चंद्रमा है, मून है, उसकी मोशन के अकॉर्डिंग होता है, जिसमें लूनार मंथ अप्रोक्स 27.3 डेज के इक्वल होता है। ध्यान रखना ये भी डाटा यहां पर याद रखना कि वन लूनार मंथ जो होता है वो अप्रोक्स 27.3 डेज के अप्रोक्स होता है, जो अपने इंडिया में हम विक्रम संवत काम में लेते हैं। एक अपने इंग्लिश कैलेंडर होता है जिसमें ये जनवरी फरवरी है, अपने इंडियन कैलेंडर में हम जो विक्रम संवत काम में लेते हैं उसमें हम लूनार मंथ यूज करते हैं, वो 27.3 डेज की इक्वल होता है अप्रोक्स। फिर लास्ट बचा अपने पास पैरेलैक्टिक सेकेंड, तो पैरेलैक्टिक सेकेंड अपने पास समय का मात्रक नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। सीमा सेजू का आंसर भी यहां पर कि लूनार मंथ इक्वल टू 27.3 डेज बिल्कुल सही है। सौरभ विश्नोई सरवण गौड़ ऑप्शन डी आ रहा है, करेक्ट आंसर अपने पास यहां पर ऑप्शन डी है, क्योंकि इसने पूछा था कि टाइम की यूनिट नहीं है, तो ये तीनों तो टाइम की यूनिट्स है और ये अपने पास टाइम की यूनिट नहीं है। क्लियर है बिल्कुल यहां से। फिर चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है, रॉन्ग कहा गया आपको, पेयर इज रॉन्ग पूछा गया है कि गलत कौन सा है। पहला है प्रेशर बैरोमीटर, ऑप्शन बी रिलेटिव डेंसिटी पायरोमीटर, ऑप्शन सी कहता है टेम्परेचर थर्मोमीटर, और ऑप्शन डी अर्थक्वेक सिस्मोग्राफ। ऑप्शन से हमें ये पता चल गया कि इस तरफ हमें फिजिकल क्वांटिटी दी गई है, भौतिक राशि दी गई है, और इस तरफ ये सारे उनके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के नाम दिए गए हैं, यानी कि मापन उपकरण के नाम दिए गए हैं। तो यहां से क्वेश्चन ये बना कि इस राशि को मापने के लिए इस उपकरण का उपयोग किया जाता है, और आपको पूछा गया कि इनमें से कौन सा अनमैच्ड है, कौन सा गलत है, तो कौन सी भौतिक राशि को मापने के लिए उपकरण कौन सा काम में नहीं आ रहा है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है यहां से, ये आपको आइडेंटिफाई करना है यहां से। परी रणवा का ऑप्शन आ गया है बी, ओए पबजी का भी आंसर आया है डी आया है, मनु का आंसर डी, अपूर्वा ठाकुर, अमन सोनी, सीमा सेजू, गजानंद प्रजापत, ऑप्शन डी काफी आ रहा है, कुछ लोगों का बी आ रहा है। किरण कोड़ी का फिर से आंसर आया कि ऑप्शन बी को 100% लॉक कर दें, देखते हैं अभी यहां से। तो देखो प्रेशर यानी कि जो दाब है
उस दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का ही उपयोग होता है। तो ये तो बिल्कुल सही है, अपने पास दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग होता है, इसने तो गलत पूछा था, ये सही है। फिर अगर देखें रिलेटिव डेंसिटी को यहां कहा गया पाइरोमीटर, लेकिन पाइरोमीटर तो हम कहते हैं कि टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए काम आता है। ये जो पाइरोमीटर है वो तापमान के लिए काम आता है, टेम्परेचर के लिए काम आता है। टेम्परेचर के लिए हम थर्मोमीटर भी यूज करते हैं, जैसे अपने थर्मोमीटर भी काम आता है, मतलब ये भी बिल्कुल ऑप्शन सही है। और अर्थक्वेक के लिए सिस्मोग्राफ है, तो यानी कि ये भी सही है। तो गलत कौन सा हुआ? रिलेटिव डेंसिटी पाइरोमीटर से मेजर नहीं होती। रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो हम कहते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी हम यूज करते हैं उस सब्सटेंस की और वाटर की, यानी कि वाटर के कंपेयर में, पानी की तुलना में, वाटर के कंपैरिजन में यूज किया जाता है। ध्यान रखना, जिस पदार्थ की हमें रिलेटिव डेंसिटी यानी कि आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना है वो पानी के सापेक्ष ज्ञात करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन अपना बिल्कुल सही आ रहा है। केशव कुमार, वसुंधरा विश्नोई, सबका आंसर जो बी आ रहा है कि रिलेटिव डेंसिटी को पाइरोमीटर से मेजर करेंगे, तो ये गलत है। तो यहाँ अपना सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, जो ये गलत है वो अपने लिए सही है। ओके, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर देखें अगला क्वेश्चन है, विच रिलेशन इज रॉन्ग, कौन सा संबंध गलत है। विच रिलेशन इज रॉन्ग आपको पूछा गया कि गलत संबंध कौन सा है इनमें से। तो ऑप्शन दिए गए, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। ये अभी हमने डिस्कस किया था जब पहले यूनिट के बारे में बात की थी, तब भी हमने कहा था कि अगर कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना हो तो वो 4.2 जूल लिखा जाता है अप्रोक्स, लेकिन एग्जैक्टली हम वहां यूज करते हैं 4.18 जूल। तो ये तो सही हुआ, ये तो गलत नहीं हुआ अपने पास। फिर ऑप्शन बी कहता है कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। तो ये हम लेंथ की यूनिट काम में लेते हैं, लंबाई का अपने पास मात्रक है, छोटा मात्रक हम कहते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम है जो कि 10 की घात -10 मीटर के बराबर होता है। फिर अपने से पूछा गया कि ऑप्शन अपने पास सी जो है वो है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राकेश कुशवाहा पीछे नहीं रहेंगे, बेफिक्र रहें, बिल्कुल यहाँ पे हिंदी वाले कभी पीछे नहीं रहते, हिंदी वाले तो और आगे जाते हैं, तो उनको पीछे नहीं रहना है, उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है, पीछे रहने का सवाल ही नहीं उठता। तो फिर पूछा गया आपको 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो आपको दिया गया है 1.6 × 10⁻³⁷ जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए अगर कहा जाए तुम्हें कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, तो वो 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल के बराबर होता है। फिर लास्ट ऑप्शन दिया गया कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻⁵ होता है। क्या ये सही है? चारों ऑप्शन जो दिए गए इनमें से गलत आंसर बताना है कि गलत कौन सा है। तो सबसे पहले हमने कहा कि 1 कैलोरी इतने जूल के बराबर है, तो बिल्कुल सही है 4.18। फिर 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻¹⁰ होता है। फिर जो सी ऑप्शन था कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, हमने कहा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान है वो 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल के बराबर होता है, लेकिन यहां पर आपको 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 10⁻⁶ से गुणा करना है। तो यहां पर अगर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखोगे तो ये आएगा 10⁻⁶ × 1.6 × 10⁻⁹ जूल, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान ये है। हमें पूछा गया 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 10⁻⁶, ये +6 है और ये -19 है, तो वैल्यू बचेगी 10⁻⁶ अपने पास -13, -13 बचेगी, तो ये भी सही है। फिर लास्ट ऑप्शन देखते हैं, आंसर आ गए हैं कई लोगों के। केशव कुमार, प्रतीक, सौरभ, सुनील, अमन, किरण, आदर्श किशोर, गजानन, सीमा, ऑप्शन डी आ रहा है सभी का, क्या बात है। मनु का आंसर भी आया है कि लास्ट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻⁷, क्या ये सही है। फिर देखें यहां पर जो हमने कहा कि गलत क्यों है, 1 न्यूटन जो है, 1 न्यूटन गलत क्यों है, ध्यान रख लेना। यहां पर
एक न्यूटन के लिए हमने कहा कि जो वैल्यू अपने पास होती है वो 10^5 होती है, यहां आपको -5 दिया गया है। आंसर गलत होने का कारण क्या है, वो -5 दिया गया है, ध्यान रख लेना, जबकि 1 न्यूटन = 10^5 डाइन होता है। अगर यही आपको 1 जूल के लिए पूछा गया तो वो 10^7 अर्ग होता है। ये दोनों डाटा याद रखने हैं, 1 न्यूटन के लिए जो अपने पास डाइन में कन्वर्जन और 1 जूल का अर्ग में कन्वर्जन दोनों पता होना चाहिए। और ये 10^5 और 10^7 होते हैं। यहाँ आपको पूछा गया था कि 1 न्यूटन = 10^-5 डाइन होता है, तो वो गलत आंसर है। तो अपने पास यहाँ से रॉन्ग पूछा गया था, तो आंसर यहाँ से डी आएगा, बिल्कुल सही आंसर। ओके, तो ये अपने पास क्वेश्चन फिनिश हुआ। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेराइव्ड यूनिट, यानी कि इनमें से कौन सी राशि या जो हम कह सकते हैं कि यूनिट है, वो दो प्रकार की आप लोगों ने पढ़ी थी। एक हम कहते हैं कि मूल भौतिक राशियां, जिनको हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं, और दूसरी हम कहते हैं कि डेराइव्ड यूनिट्स, यानी कि निर्भर इकाइयां, जिनको हम डेराइव करते हैं वो निर्भर है दूसरों पर, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो वो डेराइव्ड यूनिट कौन सी है ये आपको बताना है। फंडामेंटल हमें हमेशा याद रहनी चाहिए, 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, उनके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, बाकी बची हुई सारी की सारी डेराइव्ड यूनिट्स होती है। तो यहां पर हम देखते हैं ऑप्शंस, यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ लेंथ, फिर ऑप्शन सी कहता है यूनिट ऑफ टाइम, एंड लास्ट ऑप्शन डी यूनिट ऑफ वॉल्यूम। जल्दी से बताएं इसमें सही आंसर क्या होगा। परी रनवा ने पिछले क्वेश्चन के लिए कहा है 10^7 अर्ग, यस न्यूटन के लिए और अर्ग के लिए ध्यान रहना चाहिए। ओके, अब यहां हमने कहा इसमें कौन सी यूनिट डेराइव्ड यूनिट से वो आपको बतानी है। तो 7 फंडामेंटल के अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हम जो एंगल के लिए काम में लेते हैं, जिनमें हम कहते हैं कि अपने पास रेडियन और स्टे रेडियन आते हैं, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल, जिनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं। लेकिन उनके अलावा जितनी भी यूनिट्स बची हुई है वो सारी की सारी यूनिट्स अपने पास डेराइव्ड यूनिट्स होती है, जो कि निर्भर इकाइयां कहलाती है हिंदी के अंदर। ये ध्यान रखना है यहां पर, ये ध्यान रखना, अपने को ऑप्शन आ रहा है प्रतीक चौधरी का ऑप्शन डी, अमन सोनी ऑप्शन डी, सीमा सेजू, सोनू चिंपा, रिया सोनी, केशव कुमार प्रजापत, मधुरिमा टाक, जितेंद्र गुर्जर, ऑप्शन डी आ रहा है। चेक करते हैं अभी यहां पर। तो देखो मास जो अपने पास है वो हम कहते हैं कि केजी यूज करते हैं, फंडामेंटल यूनिट है। लेंथ के लिए मीटर यूज करते हैं हम, फंडामेंटल यूनिट अपने पास, तो ये भी फंडामेंटल हुई। फिर टाइम के लिए कहें तो ये हम सेकेंड यूज करते हैं, तीनों ही फंडामेंटल यूनिट है, मूल भौतिक राशि है। चौथी जो राशि है वॉल्यूम है, आयतन है, जिसको हम मापते हैं मीटर क्यूब में। वॉल्यूम जो आयतन दिया गया चौथा, वो हमें मीटर क्यूब में मापना होता, यानी कि मीटर को मिलाकर मीटर क्यूब बना। तो ये डेराइव्ड यूनिट है, फंडामेंटल से मिलकर बनी है, और आपको यही पूछा गया कि इनमें से डेराइव्ड कौन सी है, तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ओके, यस, किरण कुड़ी ने लिखे हैं 7 फंडामेंटल्स, केजी, मीटर, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल, बिल्कुल सही। 7 फंडामेंटल यूनिट्स को भी याद रखना अपने को। सौरभ विश्नोई ऑप्शन डी, मुस्कान डांगी ऑप्शन डी, बिल्कुल सही आंसर है। तो देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, अपने पास 7 फंडामेंटल याद है तो हम इजीली बता सकते हैं कि डेराइव्ड यूनिट कौन सी होगी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, विच पेयर हैज द सेम डायमेंशन, कि इनमें से कौन से जोड़े का विम्य सूत्र एक जैसा है। विच पेयर हैज द सेम डायमेंशन, यानी कि विमा एक जैसी है, ये आपको बताना यहां पर, विमा एक जैसी किसकी होगी। ओके, तो यहां देखें ऑप्शंस आपके पास, ए वर्क एंड पावर, ऑप्शन बी डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी,
फिर ऑप्शन सी मोमेंटम एंड इम्पल्स, और लास्ट ऑप्शन डी स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ। अगर हम कहें यहाँ पे समान विम्य सूत्र किसका है, ये आपको पूछा गया कि समान विमाय किसकी है, वर्क एंड पावर यानी कि कार्य और शक्ति है। हिंदी में अगर कहें ये बेसिक चीजें हैं, ये इंग्लिश में भी पता होनी चाहिए अपने को, कार्य और शक्ति, फिर डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी यानी कि घनत्व व सापेक्षिक घनत्व, ये दोनों राशियां हैं। फिर आपके पास तीसरा ऑप्शन आता है मोमेंटम एंड इम्पल्स। मोमेंटम जिसको हम हिंदी में संवेग बोलते हैं और इम्पल्स को आवेग बोलते हैं, संवेग और आवेग। और फिर कहा गया स्ट्रेस एंड स्ट्रेन यानी कि प्रतिबल और विकृति, प्रतिबल और विकृति, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। तो इनमें से बताएं जल्दी से कि कौन सा आंसर होगा जिसमें दोनों के लिए सही होंगे, दोनों के लिए समान डायमेंशन होगी, एक जैसी डायमेंशन होगी, विम्य सूत्र समान होंगे। श्रवण गौड़, अमन सोनी, केशव कुमार, ऑप्शन सी आ रहा है कई लोगों का, अंजू ऑप्शन सी, सौरभ विश्नोई, सोनू गजानन ऑप्शन सी, वसुंधरा विश्नोई ऑप्शन सी, लॉक कर देते हैं अभी देखते हैं, रिया सोनी ऑप्शन सी, सी राइट है अमन सोनी, चेक करते हैं अभी यहां पर। श्रवण गौड़, आदर्श किशोर, केशव कुमार, ऑप्शन सी कई लोगों का आ रहा है। तो देखो कार्य और शक्ति की अगर हम बात करें पहले वर्क और पावर की, तो वर्क हम यूज करते हैं जूल, वही पावर के लिए वॉट काम आता है, जो अपने पास मात्रक भी बिल्कुल अलग है, यानी कि इनके विम्य सूत्र एक जैसे नहीं है। फिर डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी की बात करें, तो डेंसिटी यानी कि घनत्व मापते हैं केजी पर मीटर क्यूब में, वो द्रव्यमान बटा आयतन होता है, जबकि सापेक्षिक घनत्व यानी कि रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती, वो यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो ये भी अपने पास ऑप्शन नहीं हुआ। फिर बात करते हैं अगर मोमेंटम और इम्पल्स की, तो इम्पल्स की यानी कि जो आवेग की वैल्यू है वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होती है, जिसको हम I इज इक्वल टू पी टू माइनस पी वन कहते हैं। ये संवेग में परिवर्तन यानी कि चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है, और दोनों की यूनिट डायमेंशन सेम होती है, एक जैसी होती है। तो ऑप्शन सी जो भी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आ रहा है यहाँ पर। और P जो मोमेंटम है उसको हम लिखते हैं एम वी, ये संवेग जो मोमेंटम है P, ध्यान रखें उसका फॉर्मूला अपने पास होता है P इज इक्वल टू एम वी मास इंटू वेलोसिटी। तो यूनिट यहां से बन जाएगी के जी मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन लिखोगे तो एम वन एल वन टी माइनस वन डायमेंशनल फॉर्मूला आने वाला है, एम वन एल वन टी माइनस वन, या फिर एम एल टी माइनस वन कह सकते हैं नॉर्मली, जिसको हम वन वन माइनस वन भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन अपने पास यहां से सी बिल्कुल सही आता है। अगर चौथे ऑप्शन की बात करते हैं हम स्ट्रेस और स्ट्रेन की, कि स्ट्रेस स्ट्रेन के लिए क्या होगा, यानी कि प्रतिबल और विकृति के लिए क्या होगा, तो प्रतिबल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, बल प्रति एकांक क्षेत्रफल होता है, जिसको हम कहते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स होता है। और फिर अगर स्ट्रेन की बात करें तो ये भी यूनिट लेस क्वांटिटी है, तो ये भी दोनों सेम नहीं हुए, यानी कि ऑप्शन अपने पास सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पावर माइनस हाफ, इसकी पावर आपको माइनस हाफ दी गई है, और डायमेंशन पूछी गई यानी कि विम्य सूत्र पूछा गया आपको, इसकी विमा पूछी गई है, ध्यान रख लेना। ऑप्शन ए कहता है कि एम वन जो अपने पास m के लिए 0 l हाफ t माइनस हाफ, फिर ऑप्शन बी l माइनस वन टी वन, ऑप्शन सी l वन टी माइनस वन, या फिर लास्ट ऑप्शन डी आपको दिया गया l के लिए पावर हाफ, t के लिए भी हाफ। चेक करें यहां से, पहले चेक करें यहां से स्ट्रेस एंड प्रेशर सेम है, बिल्कुल अमन सोनी करेक्ट आंसर था उसमें, कि स्ट्रेस और प्रेशर जो दोनों है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि सेम यूनिट किसकी होगी,
तो उसमें स्ट्रेस प्रेशर बिल्कुल सही होता है। तो यहां पर इसमें आपको पूछा गया है कि जो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस हाफ है, जो घात इसकी दे रखी है वो माइनस में 1/2 दे रखी है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की जो पावर माइनस हाफ है उसको आप लिख सकते हो 1/√μ0ε0। देखो पावर माइनस हाफ थी तो मैं नीचे ले गया तो पावर प्लस हाफ हो गई, और हाफ होने का मतलब वहां पे स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है, तो ये हमने यूज कर लिया इसका सिंबल वर्गमूल का, यानी कि स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये बन गया 1/√μ0ε0। आंसर आ रहे हैं सरवन गौड़ सी गजानंद ऑप्शन ए, अमन सोनी का आंसर सी, अंजू ऑप्शन सी, सुनील गहलोत, सौरभ विश्नोई ऑप्शन सी आ रहा है, रिया सोनी का भी आंसर सी आ रहा है, सीमा। तो देखो आपको यहां से ये आइडेंटिफाई करना है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर जो माइनस हाफ है उसको हमने कहा कि 1/√ में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट लिखा जा सकता है, और जो 1/√ में रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है वो किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू होती है सी, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट। जो सी है वो हम कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट है, यानी कि प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश का वेग या प्रकाश की चाल हम कह सकते हैं, जिसका मान आपको पता है 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड होता है, 3×10^8 मीटर पर सेकंड ही होता है। तो यूनिट हमें पता चल गई स्पीड के लिए मीटर पर सेकंड है, और मीटर पर सेकंड होने का मतलब ये हुआ कि यहां से अगर डाइमेंशनल फॉर्मूला देखोगे तो L1T-1 बनता है, तो ऑप्शन कौन सा हुआ, सी आंसर अपने पास, L1T-1 बिल्कुल सही है। जो रिया, अमन, सीमा, केशव कुमार बिल्कुल सही 100%, प्रतीक चौधरी बिल्कुल सी आंसर सही है, अंजू ऑप्शन सी लॉक कर दिया गया है। ओके यस, लाइट की वेलोसिटी है अपने पास, वेलोसिटी ऑफ लाइट है ये, स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट कह सकते हैं, जो कि L1T-1 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आप लोगों के पास यहां पर विच वन हैज द डायमेंशंस डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग थ्री, कि जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सी राशि है जिसका विम्य सूत्र यानी कि डायमेंशन डिफरेंट है, अलग है, विम्य सूत्र अलग किसका है, पावर, वर्क, टॉर्क या फिर एनर्जी, जिनको अगर हम हिंदी में कहें तो पावर अपने पास होती है शक्ति, कार्य, टॉर्क यानी कि बल, आगुण बोला जाता है इसको, टॉर्क को हम बल आगुण बोलते हैं, फिर एनर्जी यानी कि ऊर्जा। तो ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए और इनमें से पूछा गया कि इनमें से कौन सी राशि के लिए हम डायमेंशन फॉर्मूला डिफरेंट काम में लेते हैं, यानी कि विम्य सूत्र अलग लेते हैं। तो एक इसमें से कोई आंसर है, यानी कि तीन राशियां ऐसी है जिनके लिए मात्रक और विमय एक समान आती है, यानी कि यूनिट और डायमेंशन तीन के लिए एक जैसी आएगी, और केवल एक राशि ऐसी है जिसके लिए डिफरेंट है, अलग है, वो आपको बताना है। यहां से ऑप्शन आने शुरू हो गए हैं। यस, सबसे पहले श्रवण गौड़ ऑप्शन ए, एक कंफ्यूजन है क्वेश्चन, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप भेज सकते हैं। मनु का ऑप्शन ए, केशव कुमार, अमन सोनी, वसुंधरा, आदर्श, गजानंद प्रजापत ऑप्शन ए आ रहे हैं, कंटिन्यू। तो देखते हैं अभी यहां पे, सबसे पहले अगर हम बात करें पावर के लिए तो पावर के लिए फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम होता है, यानी कि कार्य बटा समय होता है, तो ये हुआ जूल पर सेकेंड। फिर सेकेंड अगर वर्क की बात करें तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि न्यूटन इंटू मीटर हुआ। फिर टॉर्क के लिए अगर कहें टाउ के लिए, तो ये होता है अपने पास फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी फोर्स इंटू डिस्टेंस है, ध्यान रखना, यानी कि एस या एल हम वहां पर ले सकते हैं। तो यूनिट अपने पास वापस वही बनी न्यूटन इंटू मीटर, और एनर्जी के लिए
अगर हम ई लिखते हैं तो इसको हम मेजर करते हैं जूल में, एनर्जी को मेजर करते हैं हम जूल में, जो कि वर्क डन के इक्वल है, यानी कि न्यूटन इंटू मीटर के इक्वल है, और टॉर्क भी न्यूटन इंटू मीटर, यानी कि ये तीनों सेम हुए तो अलग कौन हुआ, पावर हुआ, यानी कि राइट आंसर अपने पास ए बिल्कुल सही आंसर है, ए 100% सही। अपूर्वा ठाकुर, किरण कुड़ी, मनु, केशव कुमार प्रजापत, प्रतीक चौधरी, अमर सिंह, बिल्कुल सही आंसर आपका, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ओके, जो हमने कहा यहां पर पावर है, शक्ति है, उसके लिए डायमेंशन अलग आती है, क्योंकि यूनिट बनती है जूल पर सेकेंड, जबकि ये तीनों जूल के इक्वलेंट आ रहे हैं, जो कि न्यूटन इंटू मीटर आ रहा है, वो जूल के इक्वलेंट आ रहा है, ध्यान रख लेना। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेन आर, स्ट्रेन यानी कि जिसको हम हिंदी में विकृति बोलते हैं, स्ट्रेन जिसको हम विकृति बोलते हैं, विकृति के लिए आपको डायमेंशन पूछी गई है, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन यानी कि विकृति के लिए कहा गया है। ऑप्शंस अगर देखें यहां पर, तो सबसे पहले M1, L1, T-1, फिर ऑप्शन अपने पास बी कहता है M1, L2, T-1, ऑप्शन सी M1, L1, T-2, या फिर ऑप्शन डी M0, L0, T0। स्ट्रेन के लिए बताना अपने को यहां पर, यानी कि विकृति के लिए बताना है कि विकृति के लिए डायमेंशन क्या होगी, यानी कि विम्य सूत्र क्या होगा। डायमेंशन फॉर्मूला अगर देखें तो स्ट्रेन यानी कि विकृति के लिए जो फॉर्मूला है वो हम लिखते हैं चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि यहां से अगर देखें तो विकृति को हम हिंदी में बोलते हैं और फॉर्मूला लिखेंगे तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो भी अपने पास लंबाई चौड़ाई या आयतन, तीनों जो हम कहते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उसके आधार पर केवल लंबाई क्षेत्रफल या आयतन, इनमें से जब परिवर्तन होता है तो विकृति होती है, स्ट्रेन होती है। और यहां पर हमें पूछा गया विकृति के लिए विम्य सूत्र क्या होगा, विकृति के लिए विम्य सूत्र अपने पास क्या होगा, ऑप्शन आ रहे हैं डी मनु, फादर ऑफ फिजिक्स गैलीलियो, यस अलग से आ रहा है यहाँ पे फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, चलो ये डिस्कशन चल रहा है और फादर ऑफ फिजिक्स के लिए किरण कुड़ी 100% ऑप्शन लॉक कर देते हैं डी को, मनु, केशव कुमार, M0, L0, T0। तो देखो हमने कहा कि विमाओं में परिवर्तन बटा वास्तविक विमा है, ये विमाओं में परिवर्तन और बटा में अपने पास आता है वास्तविक विमा, वास्तविक विमा यानी कि जो भी लंबाई है तो लंबाई में परिवर्तन बटा वास्तविक लंबाई, तो मीटर बटा मीटर कैंसिल हो गया, क्षेत्रफल देखोगे एरिया के लिए तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम होगा तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये यूनिट लेस क्वांटिटी हुई, इसके लिए अपने पास कोई यूनिट नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होती, तो ऑप्शन डी आ रहा है M0 L0 T0 बिल्कुल सही है, इसके लिए कोई डायमेंशन फॉर्मूला है ही नहीं, मतलब कि सारे जीरो है अपने पास, तो वो M0 L0 T0 बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस पूछा गया यानी कि विमाहीन पूछा गया है, आपको ये कहा गया कि इनमें से कौन सी राशि विमाहीन है, डायमेंशनलेस है। ऑप्शन ए कहता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ऑप्शन बी प्लैंक्स कांस्टेंट, ऑप्शन सी पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, और लास्ट ऑप्शन डी नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको हम कैपिटल जी लेते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक होता है कैपिटल जी जिसको हम बोलते हैं, तो क्या जी के लिए यूनिट नहीं है, आपको तो यहां विमाहीन पूछा गया, तो जी के लिए हम कहते हैं यूनिट होती है, जी के लिए हम काम में लेते हैं,
जो फॉर्मूला आता है एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला काम में लेते हुए हम इस जी के लिए कैलकुलेट करेंगे तो आता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसके लिए तो यूनिट और डायमेंशन है। फिर प्लांक्स कांस्टेंट की बात करें अगर, तो प्लांक्स कांस्टेंट आप लोगों ने पढ़ा है एच के लिए वैल्यू, जो हम कहते हैं कि अप्रोक्स 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। तो इसके लिए भी यूनिट और डायमेंशन होती है। फिर अगर बात करें पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो पावर तो कोई भी लेंस की हो, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो, यानी कि उत्तल लेंस या अवतल लेंस की शक्ति अगर हमें मापनी हो तो वो हम डायप्टर में मापते हैं। डी जिसको लिखा जाता है कैपिटल डी, डायप्टर में मापी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अपने पास इनमें से किसके लिए डायमेंशन नहीं है, तो ऐसी कोई राशि नहीं है जिसके लिए डायमेंशन नहीं है, इन तीनों के लिए डायमेंशन है। तो राइट आंसर हुआ नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर जो भी दे रहे हैं, सुनील गहलोत, अमन, वसुंधरा विश्नोई, प्रतीक चौधरी, विष्णु जाट, अमन सोनी, रिया, अपूर्वा, गजानंद प्रजापत, केशव कुमार, सीमा, यस ऑप्शन जो भी दे रहे हैं यहाँ पर डी बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ओके, तो ध्यान रखें यहाँ पर कि जो अपने पास ये तीनों राशियां हैं इनके लिए अपने पास विमाएं हैं। फिर देखें आगे, यहाँ आज का अपने पास लास्ट क्वेश्चन द डायमेंशंस ऑफ के इन द इक्वेशन डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। आपको इक्वेशन दी गई है डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर और उसमें के लिए डायमेंशन पूछी गई है, विम्य सूत्र पूछा गया है। ऑप्शंस यहाँ हैं एम वन एल जीरो टी माइनस टू, ऑप्शन बी कहता है कि एम वन एल जीरो टी माइनस वन, ऑप्शन सी एम वन एल वन टी माइनस टू, या फिर ऑप्शन डी एम वन एल जीरो टी माइनस वन। इनमें से बताना आपको यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, कि इनमें से करेक्ट क्या हुआ। डायमेंशन ऑफ के पूछी गई है, डब्ल्यू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर जो फॉर्मूला लिखा गया उसके लिए आपको पूछा गया। यस अमन सोनी सर, फादर ऑफ फिजिक्स कंफ्यूजन है प्लीज। यस फादर ऑफ फिजिक्स के लिए अगर हम कहें तो अपने पास जो भी साइंटिस्ट है अपने फिजिक्स में जो भी अभी हुए हैं उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं अभी तक सर अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने सबसे ज्यादा रिसर्च की थी। उससे पहले जो हम कह सकते हैं कि एंशियंट फिजिक्स का जो पोर्शन था उनमें या ज़्यादातर योगदान रहा है सर गैलीलियो का, उनके साथ साथ न्यूटन का भी योगदान रहा है। ओके, यस आदर्श किशोर, अमन सोनी, केशव कुमार ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर। तो देखें यहाँ हमने कहा कि W इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर जो आपको इक्वेशन दी गई, इनमें से पूछा गया कि के लिए डायमेंशन क्या होगी, विम्य सूत्र क्या होगा। के लिए डायमेंशन पूछी गई, ध्यान रखना। तो W के लिए अगर हम देखें इक्वेशन तो के हमें सेपरेट करना है, तो W इक्वल टू जो हाफ के एक्स स्क्वायर आपको दिया गया उसमें के लिए होगा 2W बाय एक्स स्क्वायर। ये हम के लिए लिख सकते हैं 2W बाय एक्स स्क्वायर। केशव कुमार ऑप्शन ए, श्रवण गौड़ ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कई लोगों का आ रहा है। इक्वेशन जो आपको यहाँ पर दी गई उनमें से चेक करें यहाँ के लिए क्या होगा। W के लिए जो हम यूज करते हैं वो एम वन एल टू टी माइनस टू और एक्स स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर करोगे तो एल टू बनता है, यानी कि यहाँ से अपने पास ऑप्शन ए बिल्कुल सही है जो बच जाएगा एम वन एल माइनस टू। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, एम वन एल जीरो टी माइनस टू। ओके, ये ध्यान रखना है अपने पास यहाँ पर जो अपने पास एम वन एल जीरो टी माइनस टू, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। केशव कुमार, अमन सोनी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अपने पास ऑप्शन ए सही है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ जो W इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर था उसी को हमने सॉल्व किया और वो अपने पास आ जाता है एम वन एल जीरो टी माइनस टू। ओके, क्लियर है बिल्कुल यहाँ से, ये ध्यान रखना है।
तो देखें, जो डायमेंशन के लिए क्वेश्चन अपने को पूछा जाता है, किरण कुड़ी, ऑप्शन ए, अमन सोनी, यस, फिजिक्स के लिए अभी भी क्वेश्चन बन रहा है, रिया सोनी। तो देखें, हमने कहा यहाँ पर यूनिट एंड डायमेंशन के लिए जो क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं, उनमें से मोस्टली क्वेश्चन हमें इनडायरेक्टली पूछा जाता है, डायरेक्ट किसी एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको तीन चार क्वांटिटी एक साथ दी जाती है, या कुछ क्वेश्चन में इक्वेशन बनाकर दी जाती है। जैसे ये कहा गया था डब्ल्यू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, तो कोई भी इक्वेशन हो, हमने उसकी एप्लीकेशंस पढ़ी है, उसमें हम कहते हैं कि डायमेंशनली बैलेंस्ड होती है, तभी वो इक्वेशन हम करेक्ट यूज कर पाते हैं। जिनमें बीच में अगर प्लस माइनस आ जाता है, तो उनकी डायमेंशन हम अलग अलग चेक करते हैं, उनकी हम अलग अलग चेक करते हैं, ध्यान रख लेना। जबकि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में होगा तो यूनिट डायमेंशन एक साथ सॉल्व की जाती है। ये एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में हम पढ़ते हैं। उसके अलावा कुछ चीजें ये भी ध्यान रखनी है कि इनके ड्रॉबैक्स क्या हैं। तो इनमें तीन या चार से ज्यादा जब भौतिक राशियां हो जाती है, तो उनमें संबंध स्थापित करना मुश्किल हो जाता है। वही अगर प्लस माइनस में है, तब भी हम इनमें संबंध स्थापित नहीं कर पाते। और जो मेजर एक चीज कि ये किसी भी कांस्टेंट के बारे में नहीं बता सकती, यानी कि अगर नियतांक की बात करें तो वो हम विमाओं की सहायता से ज्ञात नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है। ओके, तो ये सारी चीजें जो आज हमने पढ़ी यूनिट डायमेंशन के बारे में, अब हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे एरर्स के बारे में, कि जो मेजरमेंट में एरर्स आती है उनका रीजन क्या है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ओके, यस, जिनके भी सही हुए हैं, केशव कुमार बिल्कुल आज सारे क्वेश्चन सही थे, तो ये ध्यान रखना है अपने को। अमन सोनी, यस, जैसा आप समझें, लेकिन फिजिक्स को फोकस करके पढ़ते जरूर रहें। ओके, तो ध्यान रखें यहां पर कि अपने पास जो भी फंडामेंटल क्वेश्चंस बनते हैं एंट्रेंस में, और जो नीट के लिए एंट्रेंस है, उसके अलावा जो हमने कहा एमएनएस, एम्स, उनमें सभी में इनसे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारे डिस्कस करें, और बाकी अगली क्लास में हम एरर्स पढ़ेंगे। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।